ओ भाई साहब हेलो, तेरी बेगम किधे? मेरी बेगम आज का बिजी है। इनके फते मैं क्या थोड़ी हेल्प कर दियो। ये हेल्प होंदी भाई, तू पब्लिसिटी पर स्टंट बनाई। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम अनु बिला, कैसे हैं सब लोग? आई होप सब लोग ठीक ठाक खुशबाश हंसते बसते मुस्कुराते होंगे। एक नई वीडियो में अपलोड करते हैं जी, खुश आमदीद माशाल्लाह से जी। घरों में भूखते भूखते होंगे। इधर है हमारी बेगम। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारी बेगम है, जिसको नहीं पता हमने कहा बता दें। तो ये अभी इस कुर्सी पे बैठी थी, तो मैं अब इस पर बैठ गया हूँ। ये अब ताबेदारी में खड़ी हो गई है, एक टांग पे। एडी मचेंगी तो ये कैमरा बंद कर सही। और क्या मोन तू देख, और क्या, सारे कैमरे के सामने एक्टिंग होती है। अच्छा, तो भाई साहब घर का काम जैसा कि पता आपको शुरू है, कल हमने ब्रेक लगाई थी तो आज हम फिर दोबारा से काम शुरू हो चुका है। सीन ये तो ठुक ठुक आपके नजर सुनाई दे रही होगी, तो ठुक ठुक ये हो गए। मैं दिखाता हूँ जाके कि असल में अब क्या हो रहा है। छत हमारी डल गई थी जैसा कि आपको पता है वाशरूम की, तो वाशरूम में फाइनल होकर फिर पता निकले लगेगा, क्योंकि अभी वाशरूम की जो है ना वो शटरिंग जो है ना वो खड़ी है, वो भी दो तीन दिन और भी खड़ी रहेगी। लेकिन गर्मियाँ बस अब इतनी आ चुकी हैं कि ये दो तीन दिन में ही खुश्क होकर रेडी हो चुकी होगी। यहाँ पे आप हमारी रिजाइयाँ देख रहे हैं ना जी, इनको हम धूप लगवा रहे हैं। ये तीन चार दिनों से हम इस्तेमाल नहीं कर रहे रिजाइयाँ, अब ऐसे है ना। हाँ बिल्कुल। तो अब इनको ये है कि इनको धूप लगा के रख देंगे। धूप से ये होता है कि जो भी सर्दियों के जरा सीम वगैरह थे ना मर जाएंगे। ये मेरी रिजाई गर्म तो बड़ी हुई थी, बाकी साड़ सूट के आप वहाँ से मर जाऊंगी। ये शनील की मेरी बाशो रजाई है, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, बड़ी मज़े की। इसमें से एक ये वाला चीज़ें देखते हो ना, ये वाला ये गांठ जो है, ये इसने मुझे पूरी सर्दियों तंग किया। ये मुझे लगती थी, सच्ची बात है, बटरफ्लाई। हम बटरफ्लाई से भी होता था, हम बटरफ्लाई देखो जरा जरा, ये मुझे लगती है। हम इतनी पूरी धूप लगी हुई है, हम उसमें घुस के सो जाते। आप लोग तो पता नहीं सेंसिटिव नहीं होते। देखो बटरफ्लाई, मिस्त्री वहाँ पे देख रहे हैं जी, काम कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, कुछ चीजें टूट गई हैं। यहाँ पे तुम्हें मैं दिखाता हूँ कि क्या तोड़ा है और क्या नया बन रहा है। मेरे साथ सच्ची मुझे लगती थी, कसम से सारे इनका नाम रख दो बटरफ्लाई। नहीं नहीं, हम बड़े सेंसिटिव होते हैं, हम माँ के बड़े लाडले होते हैं। ये तो हम आप लोगों के हत्थे चढ़ते हैं, तो किसी लोड़ के नहीं रहते। माँ के बिगड़े हुए। हाँ। तो बच्चा ना। मैं दीपावली नहीं लेनी, अब वो गांठ देख ली है, मुझे सारी रात इस गांठ लगती थी। वल्ला झूठ बोल रहा हूँ, मैंने थोड़ी बात कर ली, ये तो मेरा मजाक बना रही है। चले जी छत से चलते हैं, काम मैं आपको दिखाऊँ काम क्या हो रहा है। लो जी ये देख लीजिए, ये नुकसान हुआ पड़ा है। अब आप लोगों ने यह कहना कि ये नुकसान हो गया सारा, पर्दा हमारा यहाँ पे बना हुआ था तो पर्दा गया गया, बल्कि मिस्त्री और भी गिरवा रहा है इसको ना। ये इंटे निकल गए, इनकी सफाई करवाएंगे, ये हमारे इस्तेमाल में आएंगी सारी की सारी इंशाल्लाह। अच्छा जी सेम ये छत है हमारे वाशरूम की, जैसा कि आप लोगों को पता भी है, यहाँ पर लेंटर डाल के ना ये रेडी हो चुकी है। ये पर्दा हम गिरा रहे हैं, चूँकि ये पर्दा मारा था यहाँ पे, और असल दीवार जो नीचे है कमरों की ना वो दीवार है यहाँ पे। तो इस दीवार के साथ ही अब ऐसी दीवार बनेगी, यहाँ पे लगेगा दरवाज़ा जहाँ से वो लड़का तोड़ रहा है। तो ये जो छत है ना, इसके ऊपर हम एक कमरा बना रहे हैं, इसी छत के ऊपर, जिसका दरवाज़ा हम इस छत के ऊपर, अब जो मेन छत है इसके ऊपर खोल देंगे। तो ये हमारे आएगी काम, स्टोर भी बन सकता है, वैसे कमरा भी बन सकता है। यहाँ पर हम एक विंडो रख रहे हैं, दो चार दिनों में इंशाल्लाह इसकी छत बन जाएगी। अच्छा जो इसकी छत है ना, उसका मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, इसकी छत पे हमने टीआर गार्डर डालनी है, लेंटर नहीं डालना। मतलब थोड़ी सी हल्के वाले, वज़न भी इसका कम होता है तो उससे ना वज़न नीचे भी नहीं पड़ता, एक है। फिर ऊपर है, ऊपर इतने कोई नहीं है, अगर बहुत ही कोई एमरजेंसी में ज़रूरत पड़ी तो हम लोग क्या करेंगे कि इस के ऊपर ना वो क्या होती है, सीलिंग करवा लेंगे अगर जरूरत पड़ी तो। नहीं तो हमारा ये स्टोर वगैरह है या बेड एक बन सकता है, जो भी सीन बनेगा ना वो हमारा काम हो जाएगा। ये देखिए ऐसी अब लोकेशन बन जाएगी, ये इधर से हम आए ना तो इस साइड पे जगह खाली है, यहाँ पे बन जाएगी। ओ भाई साहब हेलो, तेरी बेगम किधे? मेरी बेगम आज का बिजी है। इनके फते मैं क्या थोड़ी हेल्प कर दी हो? ये हेल्प होंगे भाई, तू पब्लिसिटी पर स्टंट बनाई खाली थे। ओ यार ये तो जुल्म है। हम बनाने दो ना। नहीं नहीं बनाने वाली कौन सी हो? शॉपिंग करवाना ना, आके इधर कपड़े मैं दिखा।
हाँ। पता है ना इस तरह की वीडियो बनाने में पता है ना अगले लाखों रुपया लेते हैं, तू मुफ्त से कपड़े वे खन शौक है क्या कभी वो मेरे काम आ जाएगा। आ हा सर ना आते रहते हैं हां, आप मुझे भड़काओ नहीं, मैं भड़क गई तो फिर बेचारे का सत्यानाश हो जाना। इधर देखो हमने इतनी मेहनत की है, आप जाओ काब से मैं ढूंढ 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 मैं बड़ी मेहनत तरला करके लाया मैं अच्छा शाम हो रही है, हमने भी और भी दिखाने हैं। हां बड़े सूट है भाई, बहुत ज्यादा सूट है भाई। ओ दालमो जा जा बेअकलो, ए हालत है नंदी नंदी, कोई हालत ही कोई नहीं। चलो जी अच्छा कर 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 ला खुश आमद है। अच्छा जी मुझे मैं जानता पी तू जान तेरा देवर जाने दस देवर तेरे चक्कर च नहीं है पता की खातून बड़ा शौक हों कपड़े वेखन मैं डिटेल विखावन का मौका दिता इनू मौका चाहिए खुदा दे बंदे लूसिया मार मार के तो देने रजदे सिर कपड़े वेखन के चक्कर च ना हूं इतनी खलोती है खलोती है इन बह तो सारी रात विखाई रख सी आपको मैं कब से भेजी जाओ जाके घर जाके बैठो रोजा लग जाएगा। अच्छा चलो ये यहाँ पे खत्म करते हैं, मैं आप लोगों को जाके मिस्त्री की कारकर्दगी दिखाता हूँ कि वो लोग कहाँ तक पहुँचे हैं। तो ये इन्होंने वैसा बनाया ऑनलाइन सेल करने के लिए ना कुछ कपड़े लेके आए थे गर्मियों के ईद के, तो वो वाले दिखा रहे हैं। अगर आप लोगों ने परचेज करने की सदा करके चैनल पे जाके आप परचेज कर सकते हैं। काफ़ी टाइम हो चुका है, शाम होने वाली है लेकिन अभी शाम हुई नहीं है, सूरज काफ़ी खड़ा है तो देखते हैं कि काम शाम कहाँ तक पहुँचाएंगे। ये देखेंगे ये छोटे छोटे सरी वाला बत्ता है ना पिछले वास अच्छा अच्छा चलो जी ये यहाँ पे जी बत्ते छत्ते बना रहे हैं कोई, और काम हमारा हो चुका है जी इतना। इधर से भी इतनी दीवार बन चुकी है, इधर से भी इतनी दीवार बन चुकी है, और बस ये हमारा ज़बरदस्त किस्म कमरा बन जाएगा। पीछे से वाली दीवार अभी नहीं बना रहे हैं, कुछ सामान सामान मटेरियल वगैरह इधर से लेके आना होता है। तो ये आज की प्रोग्रेस है जी। सूरज भी गरूब होने वाला है, इफ्तारी का टाइम बिल्कुल करीब आ चुका है, और सारे हमारे घर में ये कपड़े पड़े हैं जो सुखाने के लिए डाले हुए हैं, इनको भी उतारना है और इफ्तारी का बंदोबस्त भी करना है। और हमारी बेगम अभी तक नहीं आई, पहले उसका पता करें कि वो वहाँ कहाँ फंसी खड़ी कपड़ों के चक्कर में, वो बादशाह हिल भी नहीं रही थी वहाँ से ना, पता नहीं क्या ऐसा शौक होता है। अब समझ आई खवातीन को कपड़ों का कितना शौक होता है, लेकिन लेने देने कुछ भी नहीं है। और मैं आपको कब से ढूंढ रहा हूँ, आप फिर यहाँ पर खड़ी हो गई हो, आज तो हमारे घर में अब नजर भी नहीं आई। पहले हाँ कपड़े खुद देखे हैं हमने देखे हैं, इफ्तारी का बंदोबस्त करो जल्दी जल्दी। चलो जी हमने इफ्तारी वगैरह कर ली है, और इफ्तारी करने के बाद भाई सब ये पकौड़ों से हमने इफ्तारी की है, अम्मा लोगों ने बनाए थे तो उधर से हमने कर लिए। और अभी हमारा प्रोग्राम है चावल बनाने का। हाँ, चावल तो चावल बनाने के लिए ये गोश्त है, इसको कुकर में डाल दिया उबालने के लिए, तो बाकी का बंदोबस्त अभी करना है। चलो जी बाकी का बंदोबस्त भी करें फिर ये बनते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह के बने हैं। चलो मैं लगा के दूँ, टाइम हो चुका है और चावल अभी रखे हुए हैं, अभी बने नहीं है, मटर भी डाल दिए और सदके सदके बड़ा इंतज़ार हो रहा है भाई सब खाने का। किथे गई हो? हाँ जी बस बन गया 10 मिनट। चलो जी चलो मैं लगता है वीडियो का एंड करिए बाकी आराम में खा ले सा। ये मटर पैन चने पैन? ये मटर है। मटर है जो आप लाएंगे। अच्छा फिर मटर भी हैं चावल भी हैं गोश्त भी है सारा कुछ इसमें बन गया है, ये थोड़ी देर बन जाएगा दम दे दिया है। नहीं अभी दम देना तो चावल सही लंबा हुआ है, चावल वैसे लंबा है लेकिन लेस बहुत छोड़ता है। चलो खैर तो इसके साथ इजाजत लेते हैं इंशाल्लाह, कल आप लोगों से मुलाकात होगी, जो चूंकि टाइम लग रहा है तो भूख भी अब लग चुकी है, टाइम काफ़ी हो चुका है, 8 बज चुके हैं। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।